भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनो तुम। अच्छा जैसे मैं अभी आ रहा था, नेवलेर ने रास्ता काट दिया, तो इससे कुछ होता है क्या? जैसे नेवला रास्ता काट दिया, मैंने गाड़ी पार कर दी जी, इससे कुछ होता है? इससे ये होता है कि आप कहीं जाकर गिर जाओगे। किसने बताया वैसे? किसने बताया? बहुत लोग बताए। ये बताइए आपका चैनल क्या है, उसको सब्सक्राइब। अशोक ब्लॉगर। अशोक ब्लॉगर इस पे डायल करो, आप सर्च करो तो दिखेगा। क्वेश्चन कर दियो, अभी आपका वीडियो डाल दूंगा। लेकिन क्या ये भ्रम नहीं है? कोई ये भ्रम तो नहीं है? ये भ्रम है। लेकिन लोग मानते क्यों है ऐसा? मैंने तो गाड़ी पार कर दी भगवान का नाम लेके। ऐसा होता है क्योंकि हमने भी गिरा है, गाड़ी वैसे नहीं चला पाते हैं लेकिन साइकिल से गिरे हैं। अच्छा मतलब गाड़ी से गिरे हो तुम भी? नहीं, नेवला के रास्ता काटने पे। ये बिल्ली रास्ता काटे तो ये अशुभ होता है? मैं गिरा हूँ इसलिए किसी के बताने पे नहीं चलता हूँ। अच्छा मैं गिरा हूँ। क्या नाम है आपका? साहिद खान। चलो साहिद भाई सही कह रहे हैं या गलत, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं भी जा रहा था जगदीशपुर। ये कौन सा गांव? ये लगता है जगदीशपुर। बाबागंज। हाँ ये बाबागंज के पास ही है और ये पुल है, गंदा नाला पुल है। गौघाट। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि बिल्ली या नेवला रास्ता काट देता है, अगर हम उसको पार कर जाते हैं तो कुछ घटना दुर्घटना होती है नहीं, सही है गलत, भाई के लिए एक कमेंट जरूर करना। कमेंट इतना आएगा कि आपके सबसे ज़्यादा कमेंट। चलो ठीक है, धन्यवाद।